मेरे अजीजों, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने हुस्न वाले हैं, कितने खूबसूरत हैं। आपके चेहरों को, आपकी सूरत को नहीं देखा जाएगा, आपके अमवाल को नहीं देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जायदाद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि रब की बारगाह में आपकी नीयत को देखा जाएगा। जैसा कि शायद फरमाया, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। वहां सिर्फ दिल देखे जाएंगे, आमाल देखे जाएंगे कि जो अमल किए हैं उनको लेकर के दिल में क्या इरादा है। कहीं रियाकारी तो नहीं है, कहीं दिखावा तो दिल में मौजूद नहीं है। अगर दिखावा है तो कितने भी मेहनतें कर लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, मेरे अजीजों ये किसी काम की नहीं है। अभी वो एक शख्स निकला है ना, अल्लाह का बंदा, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के एक सूबे केरला से। इरादा क्या है? हज करने का, आने वाले 2023 में जो हज होगा उसमें शामिल होने का। निकला कैसे है? मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, साइकिल नहीं है, बल्कि पैदल निकला है और कई 100 किलोमीटर का सफर भी तय कर चुका है। अब जाहिर सी बात है, शरीयत ने ये हुक्म भी दिया है कि आप अपनी जानों पर जुल्म ना करो, अपने आप पर जुल्म ना करो। शरीयत किसी के ऊपर जुल्म करने की इजाजत नहीं देती है, ना अपने आप पर जुल्म करो, ना किसी के ऊपर जुल्म करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप पर उसने जुल्म कर लिया है, ये उसने कैसी मन्नत मांगी है, ये कैसी मुराद है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके रास्ते में फूल बिछाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पैरों को चूम रहे हैं, उसके हाथों को चूम रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो उसके सपोर्ट में हैं, जो उसके नेक अमल में उसका साथ दे रहे हैं। अब पूरा एक साल लगेगा वहां पहुंचने में, फिर कहीं जाकर के वो हज में शामिल होगा। तो कुछ लोगों ने कहा, क्या जरूरत है? अगर मोहब्बत है दिल में, अल्लाह का प्यार है दिल में, तो किसी ने कहा अगर इतना ही प्यार रब्बे करीम का दिल में है तो कहीं जंगलात में निकल जाते, एक साल अल्लाह की इबादत करते, जब हज का मौका आता तो फिर फ्लाइट के जरिए और दूसरी किसी सवारी के जरिए हज के लिए निकल जाते, काबे का दीदार करने के लिए निकल जाते। अपने आप को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे अजीजों, अगर तारीख इस्लाम को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितने औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन, सहाबाए किराम ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने पैदल हज फरमाया है। अब यहाँ यह हो सकता है कि उस वक्त में सवारियों के इंतजामात ना हो, ऊँटों के जरिए हज किया करते थे, कुछ लोग पैदल जाया करते थे, कुछ घोड़ों के जरिए हज किया करते थे, लेकिन आज तो तमाम तर आसानियाँ मौजूद हैं, फिर भी इस शख्स को पैदल जाने की क्या ज़रूरत थी? तो मेरे अजीज, जो इश्क होता है ना, जब बंदे के दिल में किसी का इश्क पैदा हो जाए तो फिर उसे जिससे इश्क होता है सिर्फ वही उसे नज़र आता है, कोई दूसरी चीज़ उसे नज़र नहीं आती। ये फैसला करने वाले ना हम कोई होते हैं, ना आप कोई होते हैं कि वो क्यों निकला है, क्यों जा रहा है। ये अल्लाह के और उसके बीच का मामला है, न जाने उसके दिल में कैसा प्यार है रब्बे करीम का, कैसी मोहब्बत है कि उसने पैदल इरादा बनाया है हज करने का, पैदल सफर करने का उसने इरादा बनाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत न जाने उसे कितना अजर अता फरमाए। तो जब भी कोई बंदा नेक आमाल की तरफ जाए, नेक काम करे, तो ऐसे वक्त में उसकी मुखालिफत करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें और उसके लिए दुआ करें। हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सफ़र में आसानियाँ अता फरमाए और तमाम मुश्किलात को उसकी दूर फरमाए। बहुत से लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि इतनी परेशानियों भरा ये सफ़र है, जंगलात हैं, दूसरे ममालिक में एंटर होना है, न जाने कैसा माहौल, किस मुल्क का है, न जाने कौन सा रवैया इख्तियार किया जाए इस शख्स के साथ में। लेकिन मेरे अजीज, उस शख्स के दिल में सिर्फ रब का खौफ है, इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। और जिसके दिल में रब का खौफ होता है, फिर वो दुनिया की तमाम परेशानियों को पीठ के पीछे डाल देता है, उसे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती। अब वो अल्लाह की राह में निकला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत फरमाने वाला है। आप भी नेक अमल करें, जब भी कोई नेक काम का इरादा करें तो खालिस मकसद यही होना चाहिए कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, और मेरे इस अमल को करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहता हूं। और अगर इस शख्स के दिल में, क्योंकि दिल के अंदर कोई झांक करके नहीं देखता, ये जो शख्स पैदल हज करने के लिए निकला है, 8000 किलोमीटर से जायद का यह सफर करेगा, अगर इसके दिल में रियाकारी है,
इसके दिल में यह है कि मैं मशहूर हो जाऊं, मुझे इज्जतें मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए। रियाकारी दिल में मौजूद है, तो मेरे अजीज रियाकारी दिल में रखकर, दिखावा दिल में रखकर अगर कोई अमल करेंगे तो 8,000 नहीं बल्कि 80,000 किलोमीटर दूर चलें और अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए ही क्यों ना जाए, लेकिन अगर दिल में रियाकारी है तो वो आपका अमल काबिले कबूल नहीं है।